हाँ भैया, लास्ट टाइम हम लोग ग्राफ को ख़त्म कर लिए थे और इस कंडीशन वाले क्वेश्चन पे आ गए थे कि अगर दो सिस्टम हैं, कोई सिस्टम है इक्वेशंस का ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वस जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वस जीरो, तो उसमें मैं आपको बताया था क्या बताया था कि इफ़ ये रेशियो और ये रेशियो अगर इक्वल नहीं होगा, ए वन बाई ए टू डज नॉट इक्वल टू क्या बी वन बाई बी टू, सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन और उसको कंसिस्टेंट बोला जाएगा। सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट तो कहोगे, सही है। दूसरा वाली बात, इफ ए वन बाई ए टू इक्वल्स बी वन बाई बी टू और ये इक्वल नहीं हो तो सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, इसको क्या बोलोगे, इनकंसिस्टेंट बोलोगे, ठीक है। तीसरी बात, इफ ए वन बाई ए टू इक्वल्स क्या बी वन बाई बी टू इक्वल्स क्या सी वन बाई सी टू, अगर तीनों रेशियो इक्वल हो तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कहलाएंगे, सही है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे, सही है। हाँ सर, चेक आपको चेक करना है वेदर इक्वेशन हैज सिंगल इन्फाइट सिंगल इन्फाइट और नो सॉल्यूशन। कुछ इक्वेशन दिए जा रहे हैं जिनमें आपको चेक करके बताना है कि इक्वेशन के पास सिंगल सॉल्यूशन है कि इन्फाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन। ये सिंगल लिखा हुआ ना, ये वाला, ये इन्फाइट लिखा हुआ है, सही है। हाँ सर, जैसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर, 2x प्लस 3y इक्वल्स 5 और 4x माइनस 8y इक्वल्स 7। पहले सबको इधर ले आओ आप चाहो तो, ठीक सही है, नहीं तो फिर दोनों कांस्टेंट को उधर ही रखना। तुम चुपचाप इधर ले आओ यार, तुम लोग उल्टा कर लोगे। 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स 0, ये पहला इक्वेशन है। और सेकंड क्या है, 4x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल्स क्या 0, सही है। ए वन बाई ए टू कितना आ जाएगा बच्चा, ए वन बाई ए टू 2 बाई 4 ना। हाँ सर, 2 बाई 4 मतलब क्या 1 बाई 2, सही है। हाँ सर, अब ऐसे ही क्या फाइंड करो भाई, बी वन बाई बी टू, सही है। तो क्या आ जाएगा 3 बाई क्या -8। देख लो ए वन बाई ए टू और बी वन बाई बी टू क्या इक्वल है कि नहीं है। नहीं है सर, नहीं है तो काम खत्म, नहीं है तो रुक जाना है भाई, आगे मत बढ़ना है। और अगर इक्वल रहेंगे तब सी वन बाई सी टू फाइंड करना ना, समझ आ रहा है। हाँ सर, तो यहाँ क्या लिखोगे सर, यहाँ ए वन बाई ए टू डज नॉट, देखो नो सॉल्यूशन के लिए ए वन बाई ए टू और बी वन बाई बी टू इक्वल होना चाहिए। देखो इक्वल नहीं है तब यही का मामला खत्म। ए वन बाई ए टू डज नॉट इक्वल टू क्या बी वन बाई क्या बी टू, क्या बोलोगे, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम के पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। क्या बोलोगे सिस्टम को, कंसिस्टेंट, क्या कहलाए गए, कंसिस्टेंट। फीलिंग आ रही किस टाइप की है, लाइनें ऐसी टकरी हैं, ऐसी ऐसी लाइनें, सही है, ऐसी लाइनें हैं भैया, क्लियर हो, ठीक है, ऐसी लाइनें रहती हैं तो क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं सर, यूनिक सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं सर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, देखो रे सेकंड क्वेश्चन रे, देखो रे छोटो, 2x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल 0, सही है। और 8x माइनस 16y प्लस 9 इक्वल 0, देखो भाई सही है। हाँ सर, चलो 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 चलो, देखो ए वन बाई ए टू कितना हो जाएगा बच्चा, 2 बाई 8 ना 1 बाई 4, और बी वन बाई बी टू कितना हो जाएगा -4 बाई -16, ये भी 1 बाई 4, और सी वन बाई सी टू कितना हो जाएगा, ये तो -8 बाई 9 आ जाएगा सर, सही है। देख लो भैया, देखो क्या हो गया सर, ए वन बाई ए टू और क्या इक्वल्स तो बी वन बाई बी टू है बट डज नॉट इक्वल्स टू क्या है, सी वन बाई सी टू है, सही है। कौन सा कंडीशन हुआ, ये वाला ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन उसका, देखना इधर लिख रहा हूँ भाई, इधर लिख रहा हूँ, सही है। देयरफोर क्या बोलोगे, सिस्टम हैज क्या, ये कंडीशन आया नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज क्या नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ऐसी लाइन है पैरेलल लाइन से, ये दोनों का ग्राफ बनाओगे कहाँ गया इसका और इसका, तो ऐसी लाइन मिलेंगे आपको, सही है। क्या बोलोगे, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, सिस्टम इज क्या इनकंसिस्टेंट, को दिक्कत, सिस्टम क्या है इनकंसिस्टेंट है, सही है सर। हाँ सर, देख लो भैया, मिटा रहा हूँ, देखो स्क्रीन रोको और लिखो, कोई तकलीफ नहीं सर, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं सर, तकलीफ तो नहीं है सर जी, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं सर,
चलो क्वेश्चन करते हैं। और चलो तो उसको याद रखना भैया ढंग से, ठीक है, बहुत काम देगा। बिल्कुल ढंग से याद रखना है बच्चों, समझे रहे नमूनो? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अरे यार इंक गिर गया यार, ओहो इंक का अलग ही नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ 4x-3y = 5 सही है? हाँ सर। और 8x-6y = क्या 10 सही है? हाँ सर। उसको इधर ले आओ, 4x-3y-5 = 0 ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड क्या बन जाएगा? 8x-6y-10 = क्या 0 सही है? सही है हाँ सर। तो a1/a2 कितना आ जाएगा यार? 4/8 मतलब क्या 1/2। b1/b2 फाइंड करो, -3/-6 विथ साइन लेना है ना, हाँ 1/2। और c1/c2 फाइंड करो सर, -5/-10 ये भी 1/2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि सर a1/a2 = क्या b1/b2 = क्या c1/c2, ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। ऐसा कब होता था? सिस्टम है कितना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सेम इक्वेशन है मतलब दोनों। देखो ना इसमें 2 का इंटू कर दो ये वाला मिल जाएगा। सिस्टम है क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है? जब लाइनें क्या होती हैं? ओवरलैपिंग होती है, एक के ऊपर क्या रहता है दूसरा लाइन रहता है। समझ में आ रहा है? रुकना भाई, अरे यार बड़ा बदमाश आदमी यार, इंक गिरे जा रहे हैं, बताओ सही है? हाँ सर। ऐसा एक के ऊपर दूसरा लाइन, ठीक है? हाँ सर। क्लियर हो? हाँ सर। क्वेश्चन ये है, फाइंड के, क्या बताना के फॉर विच सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें ये बताना है ताकि सिस्टम के पास क्या हो? नो सॉल्यूशन हो, कोई सॉल्यूशन नहीं हो। क्लियर हो? हाँ सर। चलिए सर दो क्वेश्चन, सर क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है kx+2y = 5 kx+, इसी से इंक निकल रहा था, रुको इसकी प्राण निकाल लेते हैं। kx+2y = 5 और 3x+ क्या y = 1 ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड एक और देख लो, 4x सही है +ky + 8 = 0 सही है। और सेकंड इक्वेशन है 2x+2y + 2 = 0 सही है हाँ सर। फिर तीसरा नंबर है 4x-5y = k और 2x-3y = 12 देखो भाई, देखो सही है। के की वैल्यू बताना है, किसकी वैल्यू बताना है? के की वैल्यू बताना है सही है हाँ सर। चलो भैया यूनिक सॉल्यूशन निकलना ना सही है, उसके बाद नो वाले भी करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन ठीक है, के की वैल्यू बताना है फॉर विच सिस्टम हैज क्या यूनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन में आइए मेरे साथ, यूनिक सॉल्यूशन पे के की वैल्यू बताना है सही है हाँ सर। 3x+y-1 = 0 हाँ सर ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? फॉर यूनिक सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या पढ़े तुम? फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या पढ़े हो कंडीशन भाई? यूनिक सॉल्यूशन के लिए सर हम लोग पढ़े हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, c1/c2 पे जाने की जरूरत नहीं पड़ता है सही है। क्लियर हो? हाँ सर। चलो ध्यान दो, क्या लिखोगे सर? k/3 = कितना 2/1 सही है हाँ सर सही है। यहाँ से लिख सकते हो k/3 = क्या 2/1 यानी k = क्या 6। देख लो भाई के की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? 6। आंसर को लिखने का एक और तरीका बताया था ना, याद है? के बिलोंग्स टू रियल नंबर और माइनस करली ब्रैकेट 6। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में वही यूनिक सॉल्यूशन पर के की वैल्यू बताना, क्या लिखोगे सर? 4/2
ए वन बाई ए टू डज नॉट इक्वल टू के बाई टू, सही है क्या? हाँ, साढ़े साढ़े क्वेश्चन होते हैं, के डज नॉट इक्वल टू फोर, सही है भैया। तीसरा जो बच्चों को डाउट उठते रहता है, तीसरा में क्या, फोर बाई टू डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस फाइव बाई माइनस थ्री, यानी टू डज नॉट इक्वल टू फाइव बाई थ्री। क्या टू और फाइव बाई थ्री इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं, नहीं होते ना, तो सही तो बोल रहा है, नहीं होते इक्वल। सर ये कहाँ गया सर? तो वो कुछ भी रख लो, हमें तो कंपेयर यहां से करना था, यहां तो कुछ भी अब रह सकता है ना यार, यहां कुछ भी रहे, वन रहे, टू रहे, थ्री रहे, फोर रहे, फाइव रहे, सिक्स रहे, सेवन रहे, एट रहे, नाइन रहे, टेन रहे, क्या इस रेशियो पे कोई इफेक्ट डालेगा वो? नहीं ना डालेगा, नहीं डालेगा, नहीं। ये तो सर ये तो टू है, फाइव बाई थ्री कभी इक्वल नहीं होंगे, मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, के कुछ भी रख लो, क्लियर हो? के बिलोंग्स टू रियल नंबर बोलोगे, के की कोई भी वैल्यू होना चाहिए, के की कोई भी वैल्यू हो सकता है, सही है क्या? देख लो भाई साढ़े से क्वेश्चन है ना, देख लो भैया साढ़े से क्वेश्चन है, देख लीजिए, स्क्रीन रोकिए और लिखिए, देख लीजिए भैया साढ़े साढ़े क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शेर मिटा रहा हूँ भाई, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं सर, तकलीफ तो नहीं है शेर, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अरे क्या क्या इसमें बहुत लोगों को नहीं पच रहा होगा, अबे उधर वाले से क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला, नहीं ना तो उधर कुछ भी हो सकता है ना, के की वैल्यू रियल नंबर हो जाएगा, तुम थोड़ा बड़े हो जाओ तो थोड़ा समझ में आएगा मैं क्या बोला था, अभी बड़े नहीं, बच्चे हो तुम, बच्चे हम लोग का काम बड़ा बड़ा वाला रहता है सर, आप जानते नहीं हो, हमारे स्कूल में हम लोग प्रसिद्ध हैं, हमारे डंके बजते हैं वहाँ पे हमारे नाम के, देखो देखो भाई जा रहा है, देखो देखो भाई जा रहा है, सही आता है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड के, फाइंड के फॉर विच सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, के बताना है ताकि सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, सही है? हाँ सर सही है सर, पहला नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2x plus 3y माइनस फाइव इक्वल जीरो, और फिर क्या है, 6x plus ky माइनस 15 इक्वल जीरो, यह है सड़ा सा क्वेश्चन, सही है? हाँ सर बेहद सड़ा सा क्वेश्चन, क्या लिखोगे सर? इन्फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन था, a1 बाई a2 इक्वल्स क्या, b1 बाई b2 इक्वल्स क्या होना चाहिए, c1 बाई c2, तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए, सही है? यही था ना, था कि नहीं था? हाँ सर, तो क्या लिखोगे सर, 2/6 इक्वल्स क्या होना चाहिए, 3/k इक्वल्स क्या होना चाहिए, माइनस 5/k माइनस 15। देखो यहाँ पे नोन है, यहाँ भी नोन है, ये कितना आ जाएगा यार, 1/3 आ जाएगा ना, ये भी कितना आएगा, 1/3, ये भी 1/3 आएगा और ये भी 1/3 आएगा, आएगा हाँ सर, तो 3/k के किसी के इक्वल करवा दो, दोनों तो 1/3 ही है ना, हाँ सर सही है, हाँ तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा, 9, देख लो भाई k की वैल्यू कितना आ जाएगा, 9, ठीक है, हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन देखें, ऐसा आसान क्वेश्चन है चिल्लर सब, सेकंड है 8x plus 5y equal 9, सही है, 8x plus 5y equal 9, और kx plus 10y equal 18, kx plus क्या, 10y equal क्या, 18, 10 लिखा हुआ है, सही है? हाँ सर, क्या सिस्टम के पास क्या है, सिस्टम के पास क्या है, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, सुन लो 8/k इक्वल्स क्या, 5/10 इक्वल्स 9 को उधर ले आओ तो क्या जाएगा, -9, और 18 इधर आकर क्या जाएगा, -18, या दोनों को उधर ही रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं था, तो भी कोई तकलीफ नहीं था, ये कितना जाएगा यार, 1/2, ये भी कितना जाएगा यार, 1/2, किसी एक के इक्वल करवा दो, 8/k इक्वल्स क्या, 1/2, के की वैल्यू कितना जाएगा, 16, देख लो यार, देखो कितने हलुआ क्वेश्चन है कि नहीं है, हाँ सर हलुआ तो है सर, सही बोल रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे भैया, नेक्स्ट लिखे 2x minus 3y equal 7, 2x minus 3y equal क्या, 7,
और फिर है के प्लस टू इंटू एक्स, के प्लस टू इंटू क्या एक्स, के प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू के प्लस वन इंटू क्या वाई इक्वल टू इंटू के माइनस वन। सही लिखा हूँ, क्वेश्चन मिला लेता हूँ एक बार। के प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू के प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू इंटू के माइनस वन, ऊपर कर लो टू एक्स प्लस थ्री वाई ना, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू ऊपर में देख लो भाई, देखो भाई सही है। क्या बोला गया है, सिस्टम के पास इन्फाइनाइट सॉल्यूशन है, क्या है इन्फाइनाइट सॉल्यूशन। तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या तीनों रेशियो को इक्वल करवा देंगे। हाँ सर, क्या लिखोगे, टू बाई के प्लस टू सही है इक्वल्स थ्री बाई टू के प्लस वन। मैं ये दोनों को इधर नहीं लाता हूँ, लाऊंगा तो दोनों को माइनस लग जाएगा, उधर ही रहना तो दोनों को, तो टू बाई क्या टू इंटू के माइनस वन। अरे इधर लाओगे तो दोनों को आगे माइनस लगेगा, माइनस तो कट ही होगा ना यार। हाँ सर सही बोल रहे हो सर, अब ये टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बारी बारी से इक्वल कराइए, इसको इसके इक्वल करवाइए और इसके इक्वल करवाइए दो बार, के क्या क्या मिल रहा है देखो, मेरी बात को समझो, तीनों में अननोन है कि नहीं है। हाँ सर, तो ऐसा करते हैं टू बाई के प्लस टू इक्वल्स क्या करवा देते हैं थ्री बाई टू के प्लस वन, थ्री बाई टू के प्लस वन, इसको एक बार सोल्व करो और फिर सेकेंड और थर्ड को इक्वल कराओ, थ्री बाई टू के प्लस वन इक्वल्स क्या वन बाई के माइनस वन, इनसे के की वैल्यू निकालिए क्या आ रहा है, इंटू कर दीजिए टू टू जा क्या आ जाएगा फोर के प्लस टू, अरे क्या थ्री के प्लस क्या सिक्स, फोर के माइनस थ्री के क्या आ जाएगा के, और सिक्स माइनस टू क्या आ जाएगा फोर सही है। हाँ सर, अब यहाँ देखो भैया, यहाँ देख लो, यहाँ से भी के फोर आना चाहिए नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, थ्री के माइनस क्या आ जाएगा थ्री इजिकल्स टू क्या टू के प्लस वन, इधर ले आइए थ्री के माइनस टू के क्या आ जाएगा के माइनस थ्री, उधर जाएगा क्या जाएगा प्लस थ्री, के की वैल्यू क्या फोर सही है। अगर यहाँ के फोर होता और यहाँ के फाइव रहता तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, मेरी बात समझ में आ रही है, अगर यहाँ के फोर आता और यहाँ फाइव आता तो एक्सेप्ट नहीं किए जाते वैल्यू, मतलब के की कोई वैल्यू ही नहीं था। अरे दोनों जगह सेम आना चाहिए, समझे। हाँ सर ठीक है, सर ठीक है ठीक है ठीक, जैसा बोल रहे मान लिया चलो तुम्हारी बात को। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर देखें, नेक्स्ट नंबर क्या है, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल सेवन, अलग अलग वैल्यू आएगा तो मैं बताऊंगा आपको फील करके, तो कर लिया ना यार इसको टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल सेवन, नहीं नहीं किया नहीं किया, चलो ठीक है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल क्या सेवन, के प्लस वन इंटू एक्स, के प्लस वन इंटू क्या एक्स प्लस कहाँ भाग गए रहे टू के माइनस वन इंटू वाई, टू के माइनस वन इंटू क्या वाई इक्वल फोर के प्लस वन, देखो तो बनेगा तुमसे, के प्लस वन इंटू एक्स टू के माइनस वन इंटू वाई इक्वल्स क्या फोर के प्लस वन वन सही है। हाँ सर, क्या लिखोगे इसमें भाई, सर टू बाई के प्लस वन दैट इज इक्वल टू थ्री बाई क्या टू के माइनस वन, और दैट इज इक्वल टू क्या सेवन बाई क्या फोर के प्लस वन सही है। देखो यार ठीक है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं सर, ये दोनों को इक्वल करवा रहा हूँ भैया, ये दोनों को क्या जाएगा देखो, टू टू जा क्या फोर के माइनस क्या टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया इक्वल्स क्या थ्री के प्लस थ्री सही है। हाँ सर इधर ले ओके, फोर के माइनस थ्री के हो जाएगा और माइनस टू उधर जाकर प्लस टू हो जाएगा, तो थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा फाइव। अब ये दोनों को इक्वल कराओ इसको इसको, तो क्या आ जाएगा ये सेवन टू जा फोर्टीन के और माइनस क्या सेवन दैट इज इक्वल टू इसको इंटू कर लिया ऐसे ना ट्वेल्व के और प्लस क्या थ्री सही। इधर ले आओ फोर्टीन के माइनस ट्वेल्व के टू के और थ्री प्लस सेवन कितना हो जाएगा टेन, तो के की वैल्यू कितना आ जाएगा फाइव, के की वैल्यू कितना आ जाएगा फाइव, क्या दोनों जगह कॉमन वैल्यू है हाँ तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा के की वैल्यू कितना जाएगा फाइव। आपको मैं बताऊंगा ट्विस्ट कहाँ पे आएगा, अभी आप देखते जाओ ट्विस्ट जहाँ पे आएगा मैं जोड़ दूंगा क्वेश्चन पे, चिंता ना करें आप, लिखिए आप यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं सर। मिटा रहा हूँ भाई, क्वेश्चन में जहाँ पे ट्विस्ट आएगा जोड़ दिया जाएगा, चिंता नहीं कीजिए ठीक है। हे सर ठीक है, अभी ऐसे वाले ही क्वेश्चन करते हैं, देखो ज़्यादा समय ऐसा मैं सोचना आपके नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा समय मैं क्वेश्चन सोल्व करवाने पे दे रहा हूँ ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मेरी बात को समझिए आप।
क्लियर हो? हाँ सर। जो आपके प्रैक्टिस के लिए क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है, कहाँ भाग गया रे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, के एक्स प्लस थ्री वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हेडिंग यही रहेगा ना, इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए बताना है। के एक्स प्लस क्या, थ्री वाई इक्वल्स टू के प्लस वन, सही है? हाँ सर। और फिर क्या है, टू इंटू के प्लस वन एक्स, टू इंटू के प्लस वन एक्स प्लस नाइन वाई इक्वल सेवन के प्लस वन, इक्वल सेवन के प्लस क्या वन, देख लो भैया। ठीक है? हाँ सर। बन जाएगा? बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। सड़ा सा क्वेश्चन है। क्या लिखोगे? के डिवाइडेड बाई क्या, टू इंटू के प्लस वन इक्वल्स क्या, थ्री बाई क्या नाइन्स, सही है? इक्वल्स क्या, टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या, सेवन के प्लस वन। ये कितना जगह रे, ये आ जाएगा वन बाई थ्री, सही है? इक्वल करा दो इसके, इसके इक्वल क्या जाएगा, थ्री के। और ये क्या जाएगा, टू के प्लस क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। इधर ले आओ, के वैल्यू कितना आ गया टू, वहाँ से सोल्व करो क्या कितना रहा है। ये इसको इधर इंटू कर दो, सेवन के प्लस वन, और ये क्या जाएगा, सिक्स के प्लस क्या थ्री। इधर ले आओ, के की वैल्यू प्लस वन उधर जाएगा, क्या जाएगा माइनस वन, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, देख लो यार। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको डरना नहीं है, ये नहीं कि डर गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा आप गलती कर सकते हो उसमें, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टू एक्स प्लस, टू एक्स प्लस सही है, के माइनस टू इंटू वाई, के माइनस टू इंटू क्या वाई इक्वल्स के, के। और सिक्स एक्स प्लस, सिक्स एक्स प्लस टू के माइनस वन इंटू वाई, टू के माइनस वन इंटू क्या वाई, 2k माइनस वन इंटू वाई इक्वल्स टू के प्लस फाइव, सही है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू देना है, सही है? क्या लिखोगे? सर हम तो लिखेंगे सर 2 बाई सिक्स, टू बाई क्या सिक्स इक्वल्स क्या लिखेंगे, k माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या 2k माइनस वन, और इक्वल्स क्या k बाई क्या 2k प्लस फाइव, सही है? देख लो भाई, सभी सही लिखा हुआ है? हाँ सर। ये कितना जाएगा, वन बाई थ्री। तो इसके इसके इक्वल करवा दो और इसके इसके इक्वल करवा दो, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हाँ अभी तो बोल रहे थे इसके इसके इक्वल और इसके इसके इक्वल करवाओ। अरे भाई कोई भी दो को दो बार इक्वल करवाना, बस फर्स्ट सेकंड को, सेकंड थर्ड को, या फिर फर्स्ट सेकंड को और फर्स्ट और थर्ड को भी करवा सकते हैं। तो मुझे जहां आसान दिखेगा मैं वहीं इक्वल करवाऊंगा, क्यों ना मैं ये दोनों को इक्वल करवाने से ज्यादा अच्छा है कि मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करवा लूं। वैल्यू सेम आने वाला है, अलग नहीं आने वाला भाई, समझ गए? हाँ सर। तो करवा लो, कितना जगह, थ्री के माइनस क्या हो जाएगा सिक्स इजिकल्स टू क्या टू के माइनस वन। इधर ले आओ, थ्री के माइनस टू के क्या हो जाएगा, और माइनस वन प्लस सिक्स क्या हो जाएगा फाइव। यहाँ इक्वल करा लो फर्स्ट और थर्ड को, यानी वन बाई थ्री इक्वल्स थर्ड क्या है के बाई टू के प्लस क्या फाइव। तो इधर थ्री के हो जाएगा इजिकल्स टू क्या टू के प्लस क्या हो जाएगा फाइव। इधर ले आओ, के की वैल्यू कितना फाइव, एक्सेप्ट। सर हमेशा तो सर सेम ही आता है, तुम कहाँ दोबारा इक्वल करवाने की क्या ज़रूरत है? मैं बताऊंगा क्या जरूरत है, पहले लिख लें आप यहाँ तक, पहले आप लिख लेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मिटा रहा हूँ भाई। देख लो भाई, देख लो भाई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। अब कुछ नो सॉल्यूशन वाले कर लेते हैं ना, उसके बाद मिला करेंगे क्वेश्चन। फाइंड के फॉर विच सिस्टम हैज क्या नो सॉल्यूशन, सिस्टम के पास सॉल्यूशन ना हो। के बताना है ताकि जो सिस्टम दिया जा रहा है उसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, सही है? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन ये है के एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल्स टू, के एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल्स टू, और फिर क्या है
6x प्लस 2y इक्वल 7, 6x प्लस क्या 2y इक्वल 7, सही है। बोला गया है सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसके लिए कंडीशन क्या था, a1 बाई a2 इक्वल्स क्या b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल्स क्या था c1 बाई c2, ये था ना कंडीशन। हाँ सर, यानी k बाई 6 इक्वल्स क्या -5/2 एंड डज नॉट इक्वल्स टू क्या 2/7, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, सही बात है। तो ये दोनों को इक्वल कराइए, क्या आ जाएगा 2k इक्वल्स क्या आ जाएगा -30, k की वैल्यू कितना आ जाएगा -15। और एक और काम करना है, अब वेरिएबल को थर्ड से इक्वल करवा दो, एक नहीं भी होना चाहिए ना, समझ रहे हो। हाँ सर, तो k बाई 6 डज नॉट इक्वल्स टू क्या 2/7, तो 7k डज नॉट इक्वल्स टू क्या 12, k डज नॉट इक्वल्स टू क्या 12/7, k की वैल्यू 12/7 नहीं होना चाहिए और k की वैल्यू क्या, आंसर क्या होना चाहिए -15। आप सब पूछा गया है बस क्या कि k की वैल्यू बताना है आपको, सिर्फ किसकी वैल्यू देना है k की, क्लियर हो, देख लो भैया सही है, सिर्फ k की वैल्यू देना था, तो k की वैल्यू कितना आ गया -15, कोई समस्या नहीं, इसको भी सॉल्व कर लिया करे, काम देगा वो, कोई तकलीफ नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखें, kx plus 3y इक्वल्स k minus 3 और 12x plus ky इक्वल्स 6। देख लो भैया, मिला लो क्वेश्चन, kx plus 3y इक्वल्स k minus 3 और 12x plus ky इक्वल्स 6, k की वैल्यू बताना है किसके लिए, नो सॉल्यूशन के लिए, तो k by 12 दैट इज इक्वल टू क्या 3/k, सही है, एंड दैट डज नॉट इक्वल टू क्या k minus 3/6, देख लो भाई सही है क्या, सही है। हाँ सर, करवा लो इक्वल, यहाँ यहाँ क्या जाए, k इंटू k क्या जाएगा, k स्क्वायर इक्वल टू क्या 12 3 जाके 36, स्क्वायर को उधर ले जाओगे प्लस माइनस लगेगा रूट अंडर 36, k की वैल्यू प्लस माइनस क्या आ जाएगा 6, सही है। देख लो, देखो देखो देखो, ठीक है, आप चाहो तो आप फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कराओ ना, ऐसे ये दोनों को इक्वल कराओ तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक तुम लोग अभी थोड़ा दिक्कत जाएगा, ये दोनों को इक्वल कराओ, किसको किसको, के बाई 12 एंड डज नॉट इक्वल टू क्या के माइनस 3 बाई क्या 6, इधर ले आइए 6k डज नॉट इक्वल टू 12k माइनस क्या 36, 12k को इधर ले आइए, 6k माइनस 12k क्या आ जाएगा -6k डज नॉट इक्वल टू क्या -36, तो k डज नॉट इक्वल टू क्या 6, एक तरफ बोल रहे हैं k की वैल्यू प्लस माइनस 6 दोनों होना चाहिए और एक तरफ बोल रहा है k की वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए, तो k की वैल्यू 6 हटाना पड़ेगा, देयरफॉर k इक्वल्स आंसर में क्या आ जाएगा -6। देख लो यार, कैलकुलेशन चेक करो, बाकी सब चीज़ सही है, कैलकुलेशन चेक करो बाकी सब चीज़ सही है, इसको हटाना पड़ जाएगा किसको, प्लस वाले को, अब क्योंकि वो बोल रहा है प्लस को नहीं रखना है भाई, ठीक है, है सर कोई दिक्कत नहीं, सर कोई तकलीफ नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तो कोई समस्या, आप क्वेश्चन का हेडिंग ही अलग है, इफ अल्फा एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स अल्फा माइनस थ्री, सही है, और फिर क्या है 12x plus alpha y equals alpha, देख लो भाई क्वेश्चन मिला लो, अल्फा एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स अल्फा माइनस थ्री और 12x प्लस अल्फा वाई इक्वल्स अल्फा, हैव नो सॉल्यूशन, हैव क्या नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, फाइंड अल्फा, क्या बताना है आपको, क्या बताना है, अल्फा बताना है, क्वेश्चन तो सेम ही दिख रहा है, बस 6 के जगह अल्फा है, बाकी तो सब चीज़ सेम दिख रहा है ना, ये सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या लिखोगे, हम तो लिखेंगे सर अल्फा बाई 12 दैट इज इक्वल टू क्या 3/अल्फा एंड डज नॉट इक्वल टू क्या अल्फा माइनस 3/ क्या अल्फा, देख लो यार, ठीक है क्या, ठीक है, हो सर ये दोनों को इक्वल करा लो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स क्या 36, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। और अगर फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कराते हो या फिर सेकंड और थर्ड को, दोनों में स्क्वायर आ जा रहा है मतलब क्वाड्रेटिक बन ही रहा है, तो
लड़ना पड़ेगा आपको। चलो सेकंड थर्ड को इक्वल करवा लेते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, सही है, यहाँ अल्फा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा डज नॉट इक्वल टू थ्री अल्फा। देखो तो कुछ गलती है क्या? नहीं, ठीक है सर जी, सही है। हाँ सर, इधर ले आओ थ्री अल्फा को, तो अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स अल्फा डज नॉट इक्वल टू क्या, जीरो। अल्फा कॉमन लीजिए, अल्फा माइनस सिक्स डज नॉट इक्वल टू क्या, जीरो, सही है। अगर आप थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा पढ़े होंगे तो ये एक्सप्रेशन, अभी मान लो कि यहाँ पे इक्वल है, ऐसा समझो कि यहाँ पे क्या है, इक्वल है, यहाँ पे अगर इक्वल है तो दो चीज का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है यार? अभी समझ लो कि यहाँ पे इक्वल है, ऐसे समझो बस, ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए। अरे कोई दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब उसमें से कोई एक जीरो हो, यानी कहने का मतलब ये है अल्फा जीरो हो जाए या फिर अल्फा क्या आ जाएगा, सिक्स हो जाए, सिक्स रखो तो सिक्स माइनस सिक्स क्या आ जाएगा, जीरो, यानी अल्फा डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड अल्फा डज नॉट इक्वल टू क्या, सिक्स। सिक्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, देयरफॉर अल्फा की सिर्फ एक ही वैल्यू क्या रहेगी, माइनस सिक्स। देखो भाई अल्फा की एक ही वैल्यू रहेगी क्या, माइनस सिक्स, देख लो यार, देखो, सही है। हाँ सर, देख लो भैया, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, मिटा रहा हूँ, यहाँ तक कोई समस्या, समस्या तो नहीं है सर जी, किसी बात का तो आप पढ़ाओ, समस्या हो ही नहीं सकता, हम तो सदी के वो महान बच्चे हैं सर जो आप हमें पढ़ा रहे हो, है ना, इतिहास आपको हमेशा याद रखेगा सर, क्योंकि आप हमें पढ़ा रहे हो, सही है। हाँ सर, ये तो सही बोल रहे हो सर आप, हम सदी के महान बच्चे हैं, हैं तो हैं, सही है। आगे लिखिए, लिखिए 6x प्लस 3y इक्वल c माइनस थ्री, 6x प्लस 3y इक्वल्स क्या, c माइनस थ्री, और 12x प्लस cy, 12x प्लस cy इक्वल c, सेम ही क्वेश्चन दिख रहा है क्या? हाँ सर, कुछ ऐसा ही दिख रहा हैज इन्फाइनाइट सॉल्यूशन, हैज इन्फाइनाइट सॉल्यूशन, इसके कितने सॉल्यूशन है, इन्फाइनाइट, फाइंड c, क्या बताना है आपको, c बताना है, सही है क्या? हाँ सर, देखो भैया क्या लिखोगे भैया, हम तो लिखेंगे सर 6 बाई ट्वेल्व इक्वल्स क्या 3 बाई सी, और इक्वल्स क्या c माइनस 3 बाई क्या c, सही है। आप देखो, सही है तक, सही है। हाँ सर, 6c सी इजिकल टू 12, 3 जा क्या जाएगा 36, तो यहाँ से c की वैल्यू कितना जाएगा 6। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ यहाँ इक्वल करा के, सही है, तो क्या जाएगा सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3c इक्वल्स क्या 3c, इधर ले आइए 3c को, सी स्क्वायर माइनस 3c और माइनस 3c माइनस 6c इक्वल्स क्या जीरो, c कॉमन लो तो c माइनस 6 इक्वल्स क्या जीरो। अब ये जीरो कब होगा, जब ये जीरो है या फिर ये जीरो, यानी c जीरो या फिर ये c माइनस 6 जीरो, यानी c की वैल्यू क्या 6, सही है। तो उधर से c की दो वैल्यू आ रही है, इधर कितना वैल्यू आ रहा है 1 वैल्यू, कॉमन वैल्यू कौन है, कॉमन वैल्यू अगर रखा जाएगा, यहाँ पे डज नॉट इक्वल की बात नहीं है, यहाँ पे इक्वल की बात है, कॉमन वैल्यू कौन है 6, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगा 6। देख लो भाई, देख लो, देख लो, कोई समस्या नहीं है सर, सही है, कोई तकलीफ नहीं सर, ठीक है यहां तक। हाँ सर, इफ एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी एंड एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल एन, एल एक्स प्लस क्या एम वाई इक्वल एन हैव यूनिक सॉल्यूशन, हैव यूनिक सॉल्यूशन, क्या है यूनिक सॉल्यूशन है, प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है ए एम डज नॉट इक्वल टू क्या बी एल, सही है। क्या दिक्कत है यार, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या लिखोगे, ए बाई एल डज नॉट इक्वल टू क्या बी बाई एम, यही ना, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए ए रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या जाएगा ए एम डज नॉट इक्वल टू क्या जाएगा बी एल, खत्म। ये आपके बुक में दिया हुआ क्वेश्चन, देख लो फालतू क्वेश्चन है, बुक में था कि फाइंड कंडीशन, फाइंड कीजिए जिसके लिए यूनिक सॉल्यूशन हो, तो कंडीशन यही आएगा, मैं प्रूफ करने के लिए बोल दिया आपको ए एम डज नॉट इक्वल टू क्या बी एल, लिख लो भाई यहाँ तक लिख लो,